बोल देता हूँ रिकॉर्डिंग में। हम फोर्थ यूनिट में पढ़ चुके हैं फोटोग्रामेट्री सर्वे, जिसके अंदर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक टेरिस्ट्रियल और एरियल सर्वे होता है। फिर हमने उसके बाद स्टडी की थी मैप वर्सेस एरियल फोटोग्राफ में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि टिल्ट फोटोग्राफ क्या होता है और वर्टिकल फोटोग्राफ होता है डायग्राम के साथ, जिसमें हमने टिल्ट होता है, और टिल्ट फोटोग्राफ क्या होता है जो हमारा ऑप्टिकल एक्सिस अगर हमारा लगभग 3 डिग्री के करीब अगर टिल्ट है तो उसे टिल्ट फोटोग्राफ कहेंगे, 30 डिग्री है तो उसको हम ऑब्लिक फोटोग्राफ कहते थे। उसके बाद हमने पढ़ा था स्केल, कि वर्टिकल फोटोग्राफ में जो स्केल होता है या एरियल सर्वे में जो स्केल होता है वो हर फोटोग्राफ में या वो यू टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है हाइट जो है ग्राउंड की वो इरेगुलर होती है, फ्लैट नहीं होती, इसकी वजह से स्केल भी हमारा चेंज होता रहता है। जैसे मैं हमारा स्केल निकल के आया था एस इज इक्वल टू एफ बाय कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। एफ है आपकी फोकल लेंथ, कैपिटल एच है आपकी डेटम हाइट, और स्मॉल एच है आपकी ग्राउंड हाइट फ्रॉम द डेटम। ठीक है, उसके बाद हमने लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन किसी भी लाइन की ग्राउंड पे किसी लाइन की लेंथ निकालनी है तो हमने क्या किया था, हमने कोऑर्डिनेट से निकाला था, जिसमें हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या थे, हमारे कोऑर्डिनेट एक्स ए था जिसका फॉर्मूला था एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ए। अगर पॉइंट ए भी है तो उसका ए की बात हो रही है, फोकल लेंथ मल्टीप्लाई बाय एक्स स्मॉल एक्स ए। ठीक है, एच क्या है, वही आपकी टोटल हाइट आपके डेटम से एरियल व्हीकल की। स्मॉल एच क्या है, ग्राउंड की हाइट ए पॉइंट पर, अगर ए पॉइंट और बी का डिस्टेंस आपको निकालना है तो। ठीक है, ए पॉइंट जो है डेटम से कितनी हाइट पे है। ठीक है, एक्स ए क्या है, ए के कोऑर्डिनेट फोटोग्राफ पे, स्मॉल ए का मतलब है फोटोग्राफ पे क्या कोऑर्डिनेट है, और एफ है फोकल लेंथ। तो एक्स ए निकल जाएगा सेम एज एक्स बी निकल जाएगा, उसमें क्या होगा एच बी होगा यहाँ पे, और ये एक्स स्मॉल एक्स बी होगा। इस तरह वाई ए वाई बी निकल जाएगा, तो आपके कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स के बाद एक फॉर्मूला था, अगर लेंथ निकाल लियो लाइन की तो वो होता ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स ए, एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, प्लस वाई ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला था लेंथ ऑफ द लाइन निकालने का। ठीक है, उसके बाद हमने तीन न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे यही स्केल के इक्वेशन के ऊपर, एस बराबर एफ अपॉन एच माइनस स्मॉल एच, और एक न्यूमेरिकल हमने किया था कि किसी लाइन की ग्राउंड पे लेंथ कैसे निकालनी है। तो यहाँ तक हो चुका था, अब नेक्स्ट क्या है आपका इसमें, नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट एंड एरर इन एरियल फोटोग्राफ। होता क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पेंट पे समझा देता हूँ, फिर हम चलेंगे बुक्स लैंग्वेज पे। होता क्या है कि आपका ये तो पता चल गया आपको स्केल कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड की हाइट चेंज हो रही है, लेकिन किसी भी हाइट की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट एरर आता है किसी फोटोग्राफ में। तो यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझिए आप, ये एक फोटोग्राफ है, ये एक फोटोग्राफ है, ठीक है, और ये एक बिल्डिंग है। आप मुझे बताइए बिल्डिंग का जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इनके बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट है? नहीं है, हाइट है पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि वो एक के ऊपर एक है, कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं है ए और बी के। लेकिन जब इसका फोटो यहाँ से अगर कोई एरियल फोटो ए आपका क्या कहते हैं एरियल व्हीकल जा रहा है और उसने यहाँ से फोटो खींचा इसका, तो फोटोग्राफ पे फोटो किस तरीके से दिखाई देगा आपका? कुछ इस तरीके से दिखाई देगा फोटोग्राफ में, क्योंकि इसका कौन सा पर्सपेक्टिव व्यू होता है जो बताया था, तो उसमें ए पॉइंट ये होगा और बी पॉइंट ये होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ए पॉइंट पे अगर आप लाइन सीधी लाइन खींचते हो और बी पॉइंट में, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दिखाई देता है डी। ठीक है, यही है आपका डिस्टॉर्शन डिस्प्लेसमेंट, किसकी वजह से, ग्राउंड की वजह से, है ना। अगर आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे बिल्कुल खड़े होकर फोटो खींचोगे तो बिल्डिंग का केवल टेरेस जो होगा वो दिखाई देगा, लेकिन अगर थोड़ा सा टिल्ट होकर अगर आप फोटो खींचोगे तो बेस भी दिखाई देगा बिल्डिंग का, हाइट भी दिखाई देगी, और बेस और हाइट के बीच में फोटो पे फोटो के ऊपर प्रैक्टिकली तो वहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन फोटो के ऊपर क्या है
एक डिस्प्लेसमेंट होगा। इस चीज में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ये चीज समझ में आई या नहीं? क्योंकि इसके बाद ना एक डेरिवेशन है, वो पूरी इसी चीज पे डिपेंड है। ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो वो डेरिवेशन समझ में नहीं आएगी फिर। बताओ सर कोई वो प्रोजेक्ट उसका है? फोटोग्राफिक हाँ प्रोजेक्शन लिया है उस पर। अब फोटोग्राफ के कैमरे के जो ऑप्टिकल एक्सिस है उसके बिल्कुल और नीचे जो चीज ऑब्जेक्ट होगा उसकी हाइट होगी तो उसकी तो ठीक दिखाएगा वो, ए बी को कौन साइड में दिखाएगा, है ना। लेकिन जो भी उसकी एक्सिस से थोड़ा सा दूर होगा ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट होगी, फोटोग्राफ पे इस तरीके से दिखाएगा। चलो मैं एक है ना फोटोग्राफ गूगल पे सर्च कर लेता हूँ जो आपको एग्जैक्ट पता चल जाए। एरियल फोटोग्राफ ऑफ बिल्डिंग, कोई भी ये इस टावर का देख लो आप, ये जो टावर है अब इस टावर का फोटो खींचा गया है, तो इसका जो आपका टॉप है, चलो इसका तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ना हमारी इसकी डेप्थ क्या हो रही है, विड्थ जो हो रही है, डायमीटर जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम डायमीटर दूसरी बिल्डिंग की बात करते हैं, जैसे इस बिल्डिंग की बात कर लो, जो इस बिल्डिंग में आपको दिखाई दे रहा हो ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर मैं सीधी लाइन खींचूं इसमें, ये पॉइंट जो है और इसका जो ये यहाँ पे जो बेस पॉइंट होगा, या ये मान लो ये ए बिल्कुल सीधे होंगे यहाँ पे, ये पॉइंट जो होगा अगर आप देखोगे ये पॉइंट यहाँ पे ये है ना। लेकिन अगर आप सीधी लाइन खींचोगे ना तो दोनों पॉइंट अलग अलग दिखाई देंगे आप, इनके बीच में एक डिस्टेंस दिखाई देगा क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो टिल्ट है, वो प्रोस्पेक्टिव व्यू से हमारा इमेज ले रहा है। या फिर इस इमेज को देख लो आप, ये वाली इमेज देखो जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, यहाँ पे देखो ये वाला जो मैं रेड बना रहा हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर रहा है ना। हाइट है इसमें लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन फोटोग्राफ में डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजेंटल। तो यही डिस्टोर्शन है और इस डिस्टोर्शन की हेल्प से आप बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट कर सकते हो एक फोटोग्राफ की हेल्प से, ठीक है। अब इसको समझते हैं हम बुक में क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज ड्यू टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नाइन नोन एज हाइट डिस्टोर्सन। इसी को बोलते हैं हम हाइट डिस्टोर्सन, के जो डिस्प्लेसमेंट फोटो पे शो कर रहा है, फोटो किसकी वजह से, ग्राउंड पे किसी भी स्ट्रक्चर की हाइट की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। क्योंकि फोटोग्राफ पे तो क्या है आपका 2D है, 3D थोड़ी ना है, वो 2D है तो उस पे तो केवल दो ही कोऑर्डिनेट दिखाएगा, एक्स और वाई, है ना। तो फोटोग्राफ पे किसी बिल्डिंग के या किसी स्ट्रक्चर के जो टॉप है और बॉटम है उनके बीच में कोई हॉरिजेंटल डिस्टेंस दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, उसी को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टोर्शन। अब इसको कैसे निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, इसका डेरिवेशन देखो। यहाँ पे एक आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, एक तो मार्कर नहीं चल रहा ना, दिक्कत हो रही है, एक मिनट रुको।
ठीक है यहाँ देखो, इस फोटोग्राफ में समझो आप ध्यान से, ये लाइन भी नहीं जा रही है। यहाँ पे दो चीज़ हैं देखो, एक तो ये है आपका, ये है ये रेड लाइन जहाँ मैं खींच रहा हूँ, ये है आपका मीन सी लेवल, ठीक है। यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, यहाँ पे A1 लिखा हुआ है इस पॉइंट पे, और ये है आपका ग्राउंड। तो एक तो देखो इस ग्राउंड में हाइट में डिफरेंस आ रहा है, एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है हमारा, एक लाइन जो दिखाई हुई ये, ठीक है, A2। अब इसका जब हमने फोटोग्राफ लिया तो क्या चीज़ें बन रही हैं देखो, ये हमने फोटोग्राफ लिया, इस फोटोग्राफ को फिर यहाँ पे थोड़ा सा और सही से एक्सप्लेन किया हुआ है। के क्या है आपका, आइसो सेंटर, याद हो आइसो सेंटर या प्रिंसिपल पॉइंट बोला था, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोटोग्राफ, ठीक है। इस फोटोग्राफ में और जो आपका एक सेंटर ऑफ कैमरा है, यहाँ से अगर एक लाइन खींची जाए हमारी कहाँ पे, A2। A2 क्या, टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर। A क्या है आपका, बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर। A1 क्या है आपका, डेटम, ठीक है। इन सब पे लाइन खींची गई है तो जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से कुछ डिस्टेंस R1, R0, R2, ये रेडियल डिस्टेंस आ रही है आपकी। अब इस रेडियल डिस्टेंस पे दोबारा से एक बार हम देखते नज़र डालते हैं, जो आपका A2 है, स्मॉल A2, वो क्या दिखा रहा है आपका, कैपिटल A2। जो स्मॉल A है आपका वो क्या दिखा रहा है, ये क्या ए स्मॉल A2 दिखा रहा है आपका, कैपिटल A2। ये स्मॉल A दिखा रहा है आपका, कैपिटल A, और आपका स्मॉल A1 दिखा रहा है, कैपिटल A1। यही चीज़ ग्राउंड पे दिखा रहा है। तो जब हम इस ग्राउंड पे, तो आपका वर्टिकली ही स्ट्रक्चर है आपका, जो ग्राउंड है वो वर्टिकली उसकी हाइट है, फिर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है A A2। A A2 कौन सा स्ट्रक्चर है, वो ये वाला स्ट्रक्चर है, ब्लू कलर का बनाए थे इसको, ये वाला, ठीक है। बट जब इसे फोटोग्राफ पे की इमेज देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, सेंटर से कुछ डिस्प्लेसमेंट दिखाई देते हैं रेडियली, ठीक है, पॉइंट जो दिखाई देते हैं। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर तो वर्टिकल हाइट है, यहाँ पर तो वर्टिकल हाइट है, पर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रेडियल डिस्प्लेसमेंट फोटोग्राफ पे, ठीक है, जिसको हमने दिखाया गया है R1, R2, R0 से। R2 है किसी स्ट्रक्चर के टॉप का डिस्टेंस, R0 है बॉटम का, और R1 है डेटम तक का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि H आपका क्या है, डेटम तक हाइट। ये जो आपको, आप ये सोचोगे इसमें कंफ्यूजन होना, ये इंक्लाइन लाइन क्यों खींची गई है, क्योंकि हमारा जो फोटोग्राफ होगा 2D होगा बिल्कुल, तो फोटोग्राफ पे जब लाइन खींचेंगे तो इस तरीके से इस लाइन को इस लाइन से बिल्कुल सीधी लाइन होगी, लेकिन ग्राउंड पे वो इंक्लाइंड हो जाएगी, ठीक है। या अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो इसको मैं ऐसे बताता हूँ कि ये जो एच हाइट होती है ये ओ से डेटम तक होती है, कैपिटल एच, जो पहले बता चुका हूँ ये होती है। स्मॉल एच क्या होती है आपकी, एक स्मॉल एच होती है आपकी डेटम से ग्राउंड की हाइट, यानी कि ये वाली हाइट H1, स्मॉल H1, ठीक है। इसमें एक H2 और दिया हुआ है, वो क्या है, जो स्ट्रक्चर है उसकी हाइट, ठीक है, A से A2 की ये वाली H2, ठीक है। और ये R1, R2, R0 क्या, रेडियल डिस्टेंस, और कुछ भी इसमें कुछ ऐसे खास नहीं है समझने का, बस ये है। ये पहले भी बता चुका हूँ, जो टोटल हाइट होती है वो कैपिटल H, जो ग्राउंड की हाइट होती है मीन सी लेवल से डेटम से वो स्मॉल में होती है। तो इसमें एक तो ग्राउंड हाइट है प्लस इसमें एक स्ट्रक्चर की हाइट है, तो दो हाइट हो गई H1, H2। अब फोटोग्राफ पे क्या आ रहा है हमारा, स्मॉल A1, A2, A, और उसकी रेडियल डिस्टेंस फोटोग्राफ के सेंटर से R0, R1, R2, ठीक है, ठीक है। अब इससे क्या इन्होंने इक्वेशन निकाली है डेरिवेशन करके, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले R0 क्या है, R0 क्या है, रेडियल डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट P, K। ये प्रिंसिपल पॉइंट है आपका, ये जो फोटोग्राफ का सेंटर है वहाँ से R0 क्या है, A तक की डिस्टेंस। इसी तरह R1 भी पता चल गया, R2 भी पता चल गया, RK, कैपिटल R क्या है, वो ग्राउंड पे बता रहा है डिस्टेंस A1 की K1 तक के लिए। अगर उसी पॉइंट को हम ग्राउंड पे एस्टेब्लिश करें, K को, K क्या है, फोटोग्राफ का सेंटर, उसी को ग्राउंड पे ले जाएं तो वहाँ पर K1 बनेगा, और K1 से A1 तक का डिस्टेंस कैपिटल R में बताया गया है। अब कह रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल A1 KO, A1 कहाँ है आपका, A1 है आपका ये, और K कहाँ पे है आपका, K ये रहा, और O कहाँ आपका, ये रहा। इस ट्रायंगल में, और कौन से ट्रायंगल में, कैपिटल A
K1 और O में इस ट्रायंगल में। मैं इसको यहाँ पे डायग्राम में बता देता हूँ कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है एक तो इस वाले ट्रायंगल की जो A1 से है, रहा है ये बात वही कॉमन है आपका इसमें एंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल में, सिमिलर ट्रायंगल की वजह से यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी को लेके इन्होंने क्या किया, एफ अपॉन एच, यानी कि एफ क्या है इसकी हाइट स्मॉल ट्रायंगल की और कैपिटल एच क्या है टोटल हाइट, इज इक्वल टू आर, ये जो रेडियल डिस्टेंस बेस जो R1 डिवाइड बाय कैपिटल R, और इसी से स्मॉल R1 इस फॉर्म में निकल आता है हमारा। स्मॉल R1 क्या निकल के आ जाता है हमारा, आर एफ डिवाइड बाय एच। आर क्या है आपका ग्राउंड पे डिस्टेंस, एफ क्या है फोकल लेंथ, और कैपिटल एच क्या है आपकी टोटल हाइट। तो R1 R1 इक्वल टू A1 लिखा हुआ है इन्होंने, R1 इक्वल टू A1, A1 बता रहा है वो A1 तक डिस्टेंस, A1 नहीं बोलेंगे इसे, हम बोल सकते हैं KA1, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये जो है KA1, ठीक है। तो R1 हमारा निकल के आ गया दो सिमिलर ट्रायंगल। इसी तरह मैं सिमिलर ट्रायंगल लगा के R1 निकाल लिया, R2 निकालना है, R0 निकालना है, फिर जो उनको फिर आपको इक्वेट करना है, ठीक है। ट्रायंगल क्या है, AKO, स्मॉल A स्मॉल KO, स्मॉल A स्मॉल KO, और सेकंड ट्रायंगल क्या है AK0O, AK0O सिमिलर। इसमें आप क्या किया है इन्होंने, ये रेड वाला ट्रायंगल तो लिया ही लिया है, अब आपका रेड वाला प्लस ये ग्रीन वाला ट्रायंगल ले लिया है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, और यहाँ से फिर एक इक्वेशन निकाल दी गई है इन्होंने, ये रेड और ग्रीन ट्रायंगल को लिया है इन्होंने। अब रेड ग्रीन ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, तो उसमें एफ अपॉन एच माइनस एच वन, ये एच माइनस एच वन डिस्टेंस हो जाएगी, और आर नॉट अपॉन आर। तो इस तरीके से यहाँ पे आर नॉट निकल जाएगा, आर एफ एच माइनस एच वन इज इक्वल टू के ए, ठीक है, ओके। अब क्या किया है इन्होंने, जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डी, डी क्या है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्प्लेसमेंट है डी, इसमें बता देता हूँ आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, के ए वन और के ए, इन दोनों को माइनस करेंगे अगर हम, तो ये डिस्टेंस जो निकल के आएगी ये है डी, यानी कि के ए में से के ए वन माइनस करेंगे तो डी निकल के आ जाएगा। ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जो ग्राउंड की इरेगुलरिटी है, एक डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जो स्ट्रक्चर का है, एक डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जो ग्राउंड की इरेगुलरिटीज है। मैंने कहा ना इसमें दो चीज़ें हैं आपकी, एक तो ग्राउंड की भी हाइट बढ़ रही है, ग्राउंड इरेगुलर है आपका डेटम से, एक उसके ऊपर स्ट्रक्चर भी है, उसकी बात भी करें, जहाँ पर हमारा H1 और H2 दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो अभी ग्राउंड रिलीफ की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो हमारा डिस्टॉर्शन डिस्प्लेसमेंट निकलता है वो के ए माइनस के ए वन निकलता है, ये यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है इस तरह से, के ए माइनस के ए वन, के ए क्या है आपका आर नॉट, और के ए वन क्या है आर वन, जो मैंने यहाँ कहा था कि यहाँ के ए वन होगा, यहाँ पे ए लिखा नहीं है इन्होंने, के वन होगा, तो ये आर नॉट माइनस आर वन, यानी डी इजकल टू क्या हो गया आर नॉट माइनस आर वन। आर नॉट की भी इक्वेशन आपको पता है, आर वन की आपको इक्वेशन पता है, दोनों इक्वेशन डाली तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, आर वन एच डिवाइड बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच वन। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसकी इमेज बन जानी चाहिए। तो एक बार और फिर मैं बताता हूँ कि ये जो निकल के आया है फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला है आपका ये वाला फॉर्मूला, एनोटेशन नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए ऐसे याद कर लीजिए आप, डी आर वन एच वन कैपिटल एच माइनस एच वन। इसको मैं अब यहाँ डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ आपको, डी आपको पता चल गया डी क्या है, जब फोटोग्राफ पे ये जो ग्राउंड है डेटम से जो हाइट ग्राउंड की हो रही है, फोटोग्राफ पे जब इस हाइट को देख रहे हैं हम, तो एक जो डिस्टोर्शन आ रहा है वो है ये डी, इज इक्वल टू क्या है हमारा आर वन, ये रेडियल है फोटोग्राफ का जो सेंटर पॉइंट है प्रिंसिपल पॉइंट वहाँ से, एच वन क्या है डेटम से आपके इस ग्राउंड की हाइट, डिवाइड बाई कैपिटल एच क्या ओवरऑल हाइट एरियल व्हीकल से लेकर डेटम तक, माइनस क्या है स्मॉल एच वन, स्मॉल एच वन क्या है आपका यही आपका डेटम से इस ग्राउंड की हाइट। तो इस तरीके से ग्राउंड की रिलीफ आ गया, ग्राउंड रिलीफ कह सकते हैं उसको, ठीक है, डिस्टोर्शन कहेंगे हम हाइट किसी स्ट्रक्चर की, और ग्राउंड को हाइट की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसको ग्राउंड डिस्टोर्शन कह सकते हो, या रिलीफ ग्राउंड रिलीफ कह सकते हो।
ठीक है, तो डी हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने डी इजकल टू आपको के ए टू माइनस के वन, ये दूसरा वाला डी है। ठीक है, दूसरा वाला डी कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट के लिए डी, हाइट के, हाइट ऑफ स्ट्रक्चर। तो हाइट ऑफ स्ट्रक्चर के लिए डी जो होगा यहाँ पे इसको, ये वाली हाइट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डी अगर हम निकालेंगे तो कैसे लेंगे, के ए टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ के ए टू माइनस के ए, के ए इसी तरह से तो निकालेंगे इसको हम। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है, के ए टू के ए, और फिर के ए टू क्या है आर टू, और के ए क्या है आर नॉट, आर नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से आर टू की वैल्यू, अभी यहाँ तक हमने आर टू नहीं निकाला था, हमने निकाला था आर वन और आर नॉट। ठीक है, अब इस डिस्टॉर्शन के फॉर्मूले में आर टू आ रहा है और आर नॉट हमें नॉन है, तो हमने सब लगा को डी भी हमारे पास नॉन है। ठीक है, तो ये भी नॉन है हमारे पास, ये भी नॉन है, तो हमने क्या किया यहाँ पे आर नॉट आर टू निकाल लिया, तो आर टू की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई आर एफ एच माइनस एच वन प्लस एच टू। ठीक है, अब हमने डी क्या है हमारे पास आर टू माइनस आर नॉट। ठीक है, अब डू आर डी आर टू माइनस आर नॉट है, तो डी की वैल्यू यहाँ पे हमने वैल्यू डाली आर टू की जो निकाली है उसको सॉल्व करके हमारे पास डी की वैल्यू आ गई आर टू एच टू एच माइनस एच वन। ठीक है, अब इसमें ध्यान से सुनो हमारे पास आ क्या क्या गया है, हमें क्या क्या मिला है यहाँ से। हमें R1 सिमिलर ट्रायंगल से निकल गया, R0 सिमिलर ट्रायंगल से निकल गया। ठीक है, R2 हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, D हमारे पास क्या है डिस्टॉर्शन, उसका इक्वेशन भी आ गई, और दूसरा D क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर का डिस्टॉर्शन, या ग्राउंड रिलीफ कह सकते हैं इसको, ग्राउंड रिलीफ, और इसको डिस्प्लेसमेंट डिस्टॉर्शन कह सकते हैं डी टी। ठीक है, ये सारा डाटा, एच क्या होती है ओवरऑल हाइट डेटम से, स्मॉल एच वन क्या होती है ग्राउंड रिलीफ हाइट, और एच टू होती है स्ट्रक्चर हाइट। ठीक है, ये सारा डाटा है हमारे पास और इन्हीं से हमारे पास इक्वेशन, अगर किसी भी स्ट्रक्चर की हाइट निकाल ली है एच टू तो हमें और ये और सारा डाटा गिवन होना चाहिए, तो हम इससे एच टू निकाल सकते हैं हाइट ऑफ स्ट्रक्चर के केवल एक फोटोग्राफ से। तो ये निकल के आया आर टू एच टू, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल आपकी कैलकुलेशन है, कुछ भी इसमें बड़ी चीज़ नहीं है कि समझाने वाली। तो अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा गया, तो न्यूमेरिकल से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ए टावर, मैं पढ़ रहा हूँ, इस पर एनोटेशन नहीं है, ए टावर ए बी 80 मीटर हाइट अपीयर इन वर्टिकल फोटोग्राफ। ठीक है, 80 मीटर हाइट इन वर्टिकल फोटोग्राफ में ये पाया गया है कि उसकी जो टावर की जो हाइट है वो क्या है 80 मीटर, यानी टावर की हाइट अगर उस डायग्राम से अभी जो डेरिवेशन की है उसमें क्या होती है H2। ठीक है, द फ्लाइंग हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट अबव मीन सी लेवल, अबव मीन सी लेवल की बात करें डेटम से, हम बात कर रहे हैं फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की हाइट की, तो वो क्या होता है कैपिटल H गिवन है, वो क्या है कैपिटल H। तो 80 मीटर क्या है H2, 3000 मीटर क्या है आपका कैपिटल H। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट है K। ठीक है, और क्या कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द टॉप, टॉप में क्या आ रहा था आपका, सबसे नीचे क्या आ रहा था आपका, यहाँ पे मैं दोबारा डायग्राम दिखा देता हूँ, सबसे नीचे आ रहा था आपका A1, वन यहाँ पे देखोगे तो A1, फिर A आ रहा था ग्राउंड, और A2 जो आ रहा था वो टॉप ऑफ द टावर। तो इस न्यूमेरिकल में जो आपका ये 7.25 सेंटीमीटर कह रहा है, ये क्या है आपका A2 तक का डिस्टेंस, और A2 के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम R2, A2 का डिस्टेंस R2, A1 का डिस्टेंस R1, और A का डिस्टेंस R0। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट से या प्रिंसिपल पॉइंट से फोटोग्राफ के जो आपके टावर के हाइट टॉप तक का जो डिस्टेंस है फोटोग्राफ के ऊपर वो कितना है आपका 7.25 सेंटीमीटर। कंप्यूट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप ऑफ द टावर विद रिस्पेक्ट टू द इमेज ऑफ इट्स बॉटम इफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर इज 1150। कह रहा है कि जो एलिवेशन है बॉटम के टावर का, टावर के बॉटम का, वो क्या है 1150 मीटर। क्या होगा ये होगा एच वन, भाई जो जिस ग्राउंड पे वो टावर बना हुआ है वो ग्राउंड मीन सी लेवल से 1150 मीटर की हाइट पे है।
तो ये सारा डाटा हमारे पास गिवन है, क्या है, कैपिटल एच 3000 मीटर, स्मॉल एच 1 1150 मीटर, स्मॉल एच 2 80 मीटर, आर 2 7.25 सेंटीमीटर। कंप्यूट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप ऑफ द टावर विद रिस्पेक्ट टू द इमेज ऑफ द बॉटम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बॉटम, टावर का जो बॉटम पॉइंट है और टावर का जो टॉप पॉइंट है उनके बीच में फोटोग्राफ पे क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, यानी कि स्मॉल डी कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल डी का फॉर्मूला क्या था आपका, आर टू एच टू डिवाइड बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, आर टू 7.25, एच टू 80, कैपिटल एच 3000 और एच 1 1150 को मल्टीप्लाई किया तो 0.31 सेंटीमीटर आ गया डी। देखो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे जो जो मेन चीज़ आपको समझने वाली कि जो वैल्यूज गिवन है वो कौन सा कैपिटल एच होगा कौन सा स्मॉल एच होगा, ये आपको ध्यान से समझने वाली चीज़ है और कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे जैसे 1150 को कैपिटल एच ले लिया या 7.25 लिखा हुआ है, अब इसको क्या समझोगे आप। तो इसमें जो मेन चीज़ है आपको जो वैल्यूज गिवन है न्यूमेरिकल में उनको समझना है कि है, वरना सिंपल फॉर्मूला है हमने निकाल लिया। इस न्यूमेरिकल में कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो तो पूछो, वरना फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है तो शायद एकदम समझ में आ जाती है, लेकिन अगर क्वेश्चन केवल लिखा हुआ होता तो चीजें समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। न्यूमेरिकल नेक्स्ट है, द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट टू ए इमेज ऑन ए फोटोग्राफ इज 7.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट यानी के से डिस्टेंस है, एंड द एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउ द डेटम इज 350, यानी कि और डेटम से जो स्ट्रक्चर उसके बॉटम तक की हाइट 350, यानी कि एच वन की बात कर रहा है। वट इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डेटम स्केल इज स्केल गिवन बाय 8000 एंड द फोकल लेंथ इज गिवन, ठीक है। और आर गिवन है, एच वन गिवन है, आर वन गिवन है, एस डी गिवन है, स्केल। अब स्केल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ठीक है। तो स्केल का फॉर्मूला इन्होंने लगाया जिससे कैपिटल एच हमारा आ गया, स्मॉल एच हमें गिवन है। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आर वन एच वन डिवाइड बाई एच कैपिटल एच माइनस एच वन। तो कैपिटल एच हमारे पास नॉन था, कैपिटल एच की जगह पर उन्होंने क्या दिया हुआ था हमारे को, स्केल। और स्केल का फॉर्मूला होता है क्या, एफ बाय कैपिटल एच माइनस, या फिर जो भी स्केल दिया हुआ है स्केल इसका उल्टा कर दो उसका, जैसे इन्होंने रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि यही फॉर्मूला लगा दो एफ बाय एच वाला। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। द इमेजेस एक्स एंड वाई ऑफ द बेस ऑफ द टॉप रिस्पेक्टिवली ए फैक्ट्री चिमनी, चिमनी की बात कर रहे हैं फैक्ट्री की, 250 मीटर 150 मीटर हाई आर ऑब्जर्व इन ट्रूली वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ। स्केल दिया हुआ है 1:10,000, डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एक्स गिवन डेट वाई इज 70 mm फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ द फोटोग्राफ, द फोकल लेंथ इज गिवन एंड द एज्यूम चिमनी टू बी डेटम लेवल figure 5.8, let h1 be the height of the point and h be the height of the camera above. देखो क्या क्या गिवन है, h2 गिवन है क्योंकि कह रहा है वो डेटम से हाइट, तो ग्राउंड से हाइट, तो h2 गिवन है, स्केल गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है और r गिवन है क्योंकि वो बोल रहा है सेंटर ऑफ द प्रिंसिपल पॉइंट से डिस्टेंस। जैसी प्रिंसिपल पॉइंट से डिस्टेंस आपको बोला जाए तो आप वो r ही होगा, अब वो r1 होगा r0 होगा कि r2 होगा वो आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। स्केल से हमने इसमें कैपिटल एच निकाल लिया, कैपिटल एच नहीं निकाल पाएंगे अभी तो इक्वेशन बन पाएगी क्योंकि स्मॉल एच भी गिवन नहीं है। यहाँ पर उन्होंने फोटोग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये फोटोग्राफ है जहाँ पे ये कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है और टावर की जो हाइट है वो 150 मीटर है, ठीक है। कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच 1250 मीटर है, फिर आर की इक्वेशन यहाँ पे इन्होंने लगा दी गई है और जिस इक्वेशन सॉल्व करके 616 मीटर आ गया है और आर नोट की इक्वेशन से हमारा आर नोट आ गया 61.6 सेंटीमीटर। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि आर नोट क्या है, इस डायग्राम को मत देखो मुझे वैसे बताओ आर नोट क्या है। आर नोट का मतलब प्रिंसिपल पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस फोटोग्राफ के ऊपर,
ठीक है, अब प्रिंसिपल पॉइंट से एक तक, और ए क्या है हमारा, ग्राउंड पे डिस्टेंस, ठीक है, ग्राउंड पे डिस्टेंस ए वन ए टू ए नॉट, ए जो है वो है बॉटम ऑफ द स्ट्रक्चर ग्राउंड पे, इसको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल आर एफ एच माइनस एफ एच वन, इसमें कैपिटल आर हमारे पास को नहीं पता और एफ फोकल लेंथ गिवन है, और एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच का फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। केवल हमारे पास क्या गिवन नहीं है, हमारे पास गिवन नहीं है कैपिटल आर। कैपिटल आर जो इन्होंने निकाला हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 से, पहले तो आप ये समझ लो कि कैपिटल आर है क्या। कैपिटल आर ये है जो फोटोग्राफ पे प्रिंसिपल पॉइंट है उसको अगर ग्राउंड पे एस्टेब्लिश कर दें तो उसका डिस्टेंस, और कैपिटल आर उन्होंने इक्वेशन नंबर 13 से निकाला है, यहाँ से इस इक्वेशन को लगा दिया क्योंकि आर टू गिवन है, तो आर टू गिवन है तो इस इक्वेशन में जब फॉर्मूला लगाएंगे, और एच माइनस एच वन गिवन है तो इस इक्वेशन से इन्होंने ये हमारा लगा दिया और यहाँ से आर निकल गया हमारा, ठीक है। ये देखो R2 गिवन है यहाँ पे, ये इसका डाटा गिवन है 1250, H2 गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, तो इससे कैपिटल R निकल गया और फिर R नोट पे हमने कैपिटल R लगा के ये निकाल लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, इसमें क्या गया, टावर ए टावर वाज फोटोग्राफ फ्रॉम द एलिवेशन 800 मीटर अबव द डेटम, द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम, रेडियल डिस्टेंस दी हुई है दोनों आर वन आर टू, जिनको माइनस करके फॉर्मूला ये आता है, If the bottom of the tower was in elevated, R1 का फॉर्मूला और R1 2 का रखोगे ना, उनको माइनस करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी। H आपका दिया हुआ है 200-250 मीटर, R1 गिवन है, R2 गिवन है, कैपिटल H माइनस ये करके आ जाएगा आपका 550 मीटर, और इसको जब वैल्यू डालेंगे तो स्मॉल H आ जाएगा आपका 150 मीटर, ठीक है। ये कह रहे टावर फोटो वाज एलिवेशन 800 मीटर अबाउ द डेटम एंड द रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। ये एच में से 250 मीटर माइनस कर देंगे ऑफ द टावर प्रिंसिपल पॉइंट, क्योंकि ये जो इफ द बॉटम ऑफ द टावर हैज एलिवेटेड 250 मीटर, क्योंकि 250 मीटर एलिवेटेड है। तो ये तो हमारे वर्टिकल फोटोग्राफ के न्यूमेरिकल थे, जिनको एक बार और आगे जो एक दो न्यूमेरिकल उनको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी चार मिनट बचे तो उससे पहले क्वेश्चन प्रीवियस यूनिट वन का हम सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपका जो हाइपोटेंशियल एलोवेंस है उसका एक फॉर्मूला होता है एल सेक थीटा माइनस वन, आता ही आता है, इसको सॉल्व इसको देख लेना। अब इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा हुआ है कि डिस्टेंस मेजर बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ स्लोपिंग ग्राउंड, स्लोपिंग ग्राउंड में एक दो पॉइंट के ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्लोपिंग डिस्टेंस की बात हो रही है 450 मीटर, फाइंड द करेक्ट डिस्टेंस इफ द स्लोप एंगल इज 10 डिग्री, अगर स्लोप एंगल 10 डिग्री है तो आप ये हाइपोटेंशियल एलोवेंस निकाल सकते हो, एल आपका गिवन है कितना 450 मीटर, थीटा आपका गिवन है तो ये निकल जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि स्लोप इज 1 into 5, इसका मतलब क्या है, ये है आपका, ये आपका ये स्लोप जो है ये 1:5 है, यानी 10 थीटा बराबर 1/5 आ जाएगा यहाँ पे, तो इससे आप सॉल्व कर सकते हो, थीटा निकल जाएगा, फिर आप उसके फॉर्मूले में पुट कर दोगे थीटा तो आपका करेक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, ये देखो यहाँ 10 थीटा निकल, थर्ड पॉइंट क्या है कि उसने हाइट दी हुई है 45 मीटर, तो जब हाइट का करेक्शन होता है तो उसका फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं एच स्क्वायर बाई 12। अब ऐसा लग रहा होगा कुछ चीज़ें की तो पढ़ी नहीं है, सब चीज़ पढ़ चुके हैं इसलिए रिविज़न ज़रूरी है। तो किसी भी स्लोपिंग मेजरमेंट में अगर आपको करेक्शन निकालना है तो उसमें एक तो हाइपोटेंशन एलोवेंस होता है जो एल ब्रैकेट में 1 - sec θ होता है, और दूसरा होता है एच स्क्वायर बाई 12। तो इन दोनों फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो उसमें करेक्ट डिस्टेंस।